बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो खासतौर पर मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे होते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि अपना पुराना मोबाइल जो घर में रखा हुआ है उसको इस्तेमाल करना, कि वो पीडीएस से ब्लॉक है कि नहीं है, उनको जरूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए यूज करने से पहले या कोई भी खर्चा करने से पहले मोबाइल में, ऐसे फोन पे जो आप पुराना हो आपके घर में उसको यूज करना चाह रहे हो या फिर कोई फोन परचेज कर रहे हो, तो आप ये काम जो है आसानी एक सिंगल क्लिक पे कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली मैं आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वेबसाइट का लिंक कैरी करते हुए और जो है ऑनलाइन किस तरीके से चेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो आपने चेक कर लेना मेरे बताए हुए मेथड के जरिए से। एक सिंगल क्लिक पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कोई पुराना मोबाइल पड़ा है, आपको मोबाइल कोई खराब हो गया और आपका ऐसा मोबाइल पड़ा है जो दो चार साल से आपने इस्तेमाल नहीं किया और आप उसको सही करवाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना, सिंपली अपने मोबाइल की केसिंग को रिमूव करके, बैटरी रिमूव करके केसिंग उतार के सिंपली आपने वहां से IMEI चेक करना है पहले, उसके बाद आपने उसको जो मैं आपको लिंक बताऊंगा वहां से चेक कर लेना कि ये नंबर जो है अप्रूव, ये सिम, ये आपका मोबाइल जो है अप्रूव पीटीए से है कि नहीं है। अगर पीटीए अप्रूव नहीं है तो उसका मतलब है कि उस मोबाइल को ठीक करवाना बिल्कुल बेकार है। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं तब भी आपने ऑनलाइन चेक कर लेना है, सिंपल एक क्लिक पे आप चेक कर सकते हैं। आई मैं आपको लेकर चलता हूँ जिस तरीके से आप उसको चेक कर पाएंगे, सिंपली ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आने के बाद बहुत तरह के मेथड होता है IMEI पता लगाने के लिए, *0*06# भी आप जो है IMEI नंबर पता लगा सकते हैं, या फिर IMEI नंबर आपके मोबाइल में भी लिखा हुआ होता है बैटरी के पीछे या मोबाइल कवर में आपके मोबाइल के बैक साइड की तरफ कहीं पे लिखा होता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपना IMEI यहाँ पे एंटर कर देना है ताकि आप चेक कर पाए कि आप जो फोन खरीद रहे हैं या फिर आपका जो पुराना फोन है जिसको आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सही करवा के, तो वो कहीं पीडीएस से ब्लॉक तो नहीं है। अभी मैं अपने अपने मोबाइल का आपको IMEI लिख के चेक करवा देता हूँ, मैंने अपने आईफोन का IMEI यहाँ पे लिखा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे और चेक पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे को स्टेटस बता देगा मेरे अपने आईफोन 6 का कि ये आइदर वेरीफाइड है कि नहीं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि योर मोबाइल डिवाइस IMEI नंबर दिस, ये पीटीए से अप्रूव भी है और रजिस्टर्ड भी हुआ है, इसका मॉडल नंबर आप देख रहे हो आपके पास लिखा हुआ आगे सामने, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपना कोई भी मोबाइल का IMEI इस वेबसाइट के जरिए से चेक कर सकता हूँ कि वो IMEI जो है रजिस्टर्ड है पीटीए पे नहीं है। बहुत अभी क्योंकि पीटीए ने काफी मोबाइल ऑफ कर दिए, बंद कर दिए, बट बाज मोबाइल ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, वो कभी भी ऑफ हो सकते हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड करवाने के लिए मैं आगे अनकरीब एक वीडियो लेकर आऊंगा आपको बताऊंगा किस तरीके से आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अभी भी, ठीक है, तो वो मैं मेथड आपको बताऊंगा, या फिर वो थोड़ा मुश्किल तरीका है, बाज अवकात हो भी जाते हैं बाज अवकात नहीं होते, लेकिन जो उन्होंने पहले टाइम दिया था उस टाइम में अगर आप लोगों ने नहीं करवाया रजिस्टर्ड तो अब आप लोगों के लिए मुश्किल होगा वापस से रजिस्टर्ड करवाना, बट मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो लेकर आऊँ एज सून एज। बाकी जो आपके प्रीवियस मोबाइल है जो आप यूज कर रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं मोबाइल, उसको IMEI चेक कर सकते हैं इस तरीके से और पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो पीटीए से अप्रूव्ड है कि नहीं है। उम्मीद है वीडियो काफी यूजफुल लगी, आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ख्याल रखिएगा।